नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान प्रदर्शन किया। अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम कार्य पर नहीं लौटेंगे। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कौन लोग हैं आप? हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी जिला शाखा मऊ। हम लोगों की चार सूत्रीय मांगे हैं। काफ़ी दिनों से हम लोगों की मांगे चली आ रही हैं। बीच में दो महीने पहले भी समझौता की बात हुई थी, मान लेने की बात हुई थी, लेकिन उसमें भी जो है धोखा ही मिला, कोई मांग हमारी नहीं मानी गई। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी चार सूत्रीय मांगे हैं। एक तो हम लोगों का HR पॉलिसी जो है लागू हो, वेतन विसंगति को दूर किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। हमारे यहाँ 2000 आशाएँ हैं जो जिनको कुछ फिक्स मानदेय जो है निर्धारित की जाए। ये चार सूत्रीय मांगे हैं हम लोगों की। इस बार हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे कंटिन्यू बैठे हैं। पूरे प्रदेश में चल रहा है एक साथ। पूरे प्रदेश में कितने कर्मचारी होंगे? पूरे प्रदेश में हमारे 75,000 कर्मचारी हैं। मैं डॉक्टर इशफाक अहमद, पोस्टर हूँ, MO आयुष मेन स्ट्रीम, जिसमें पेशेंट डायरेक्ट देखा जाता है। तो हमारे स्टेट कमेटी से लेकर मऊ ज़िले तक या हर ज़िले तक कह लीजिए, इनके विसंगतियाँ वेतन की बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत कम। तो आप भी धरने में? तो बिल्कुल धरने में शरीक हैं और हमारी सुनवाई की जाए। और हम लोगों पर लोड बहुत है, हर नेशनल प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। OPD के साथ OPD भी प्रभावित होती है, पैसा कुछ नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं उनका पैसा नहीं होता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।